नमस्कार दर्शकों, चुनावी महासंग्राम रिसेंट के चुनावी महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश को जिसकी आज थी, जिसका इंतजार था, वो दिन आखिरकार आज आ ही गया। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होना शुरू हो गया। मेरे साथ है हमारे संपादक इमरान सर। इमरान सर, नतीजे घोषित हो रहे हैं, अभी एनडीए आगे चल रही है, इंडिया आघाड़ी पीछे है, क्या बताऊंगे आप? जी हाँ, सबसे पहले तो दर्शकों को एक खबर देना चाहता हूँ नागपुर के बारे में। नागपुर लोकसभा इलेक्शन में नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं, नितिन गडकरी अभी आगे चल रहे हैं। अभी अभी एक खबर आई है कि बैलेट पेपर की चुनाव गिनती शुरू हो चुकी है और नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। और पूरे देश का हाल देखा जाए तो जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे थे, उसी तरह से एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए आघाड़ी जो बढ़त हासिल की थी, वो अब भी जो चुनावी जो शुरुआती नतीजे आ रहे हैं उसमें तकरीबन 66 जगहों में भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है, वही इंडिया आघाड़ी 17 जगहों पर। ये तो सिर्फ एक 15 से 20 मिनट का जो आकलन है या जो रिजल्ट है वो आया है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं 1:30 बजे तक ना टीवी देखूंगा ना किसी के सामने आऊंगा, एक रूम में मैं बंदिश हो जाऊंगा। आपको क्या लगता है 1:30 बजे तक के नतीजे क्या हो गए? नागपुर की बात करें तो नागपुर में जो नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री मंत्री है और यहाँ पे एक जो उदय विकास ठाकरे की कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है नागपुर के क्या रिजर्व रह सकते हैं? जी हाँ, नागपुर की जैसे तो माना जाए तो बीच में बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि मार्जिन आउट ऑफ परसेंट बहुत कम रहने वाला है, मगर फिर बाद में ये भी बताया जा रहा था कि कई लोगों से, कई बुद्धिजीवियों का ये बात आ रही थी कि लोगों ने नितिन गडकरी जी की ओर देख के भी वोट किया है, उनकी एक अलग ही विकास पुरुष के नाम से माने जाते हैं पूरे नागपुर में। और दूसरी तरफ कांग्रेस का एक फैक्टर देखा गया था कि इस बार पूरी कांग्रेस एक साथ आ चुकी थी और एक साथ और लोकल लीडर देने की वजह से पिछली बार 15,000 वोटों से, तकरीबन 15,000 वोटों से नितिन गडकरी जी विजय हुए थे, तो इस बार कयास लगा जा रहा था कि वो वोटों का मार्जिन कम होगा। सर, मैं आपको एक बार बता दूं कि जो गढ़ माना जाता है दक्षिण नागपुर, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहा जा रहा है कि वहां से दक्षिण पश्चिम में वहां से कुछ बीजेपी को कम वोटिंग हुई है। जी हाँ, ये बहुत ही कयास लगाया जा रहा था कि दक्षिण पश्चिम नागपुर जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है वहां से कुछ कम वोटिंग हुई थी। ये फैक्टर देखा जा सकता है कि जैसे कि इस बार आपने देखा कि कांग्रेस के उम्मीदवार प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल वो भी एक्टिव हो चुके थे इस बार, और उसके वजह से शायद कुछ वोटों की कमी बीजेपी को सहनी पड़ सकती है। अभी तो फिलहाल गडकरी जी आगे नजर आ रहे हैं, शुरुआती रुझान में नितिन गडकरी अभी आगे दिख रहे हैं। इमरान सर, एक बात हो रही थी कि अभी इस बार जो लोकसभा में कांग्रेस ने जो उम्मीदवार दिया है वो लोकल उम्मीदवार दिया है जो कि एक नगर सेवक रह चुका है, महापौर रह चुका है, विरोधी पक्ष नेता के रूप में एनएमसी में उन्होंने काम किया है, शहर अध्यक्ष अभी फिलहाल विधायक है, इसका क्या परिणाम मतलब नितिन गडकरी को बीजेपी के जो उम्मीदवार उनको पड़ेगा या पूरे ही नागपुर लोकसभा में पड़ेगा? जी हाँ, पूरे नागपुर लोकसभा में इसके परिणाम तो आने हैं, बस हाँ ये परिणाम आपको दिखेंगे वोटों के मार्जिन में। ये आने वाला समय बताएगा कि कितने वोटों के मार्जिन से गडकरी जी जीतते हैं या फिर विकास ठाकरे जी, ये तो आने वाला भी समय बताएगा, मगर शुरुआती रिजान ये दिख रहे हैं। मगर हाँ, इससे ये फर्क जरूर गिरेगा, जो भी वोट ऑफ परसेंटेज विनिंग का होगा वो बिल्कुल बेहद ही कम होने वाला है, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। इमरान साहब, नागपुर से हम रामटेक लोकसभा की तरफ जाते हैं कि वहां पे राजू पारवे जो शिवसेना के उम्मीदवार है, वही कांग्रेस से श्याम कुमार बर्वे जी जो एक नाटकीय रूप से देखा गया था रामटेक लोकसभा के लिए कि भले रश्मि बर्वे जी थे उनको उम्मीदवारी दिया था लेकिन उनका खारिज हो गया, फिर श्याम कुमार बर्वे उम्मीदवार हो गए, राजू पारवे जो पहले कांग्रेस में थे बाद में शिवसेना में आके तुरंत ही उनको उम्मीदवारी दी गई है जी। ये पूरा जो रामटेक लोकसभा का जो राजकारण रहेगा इसका आकलन कैसे करते हो? जी हाँ, रामटेक लोकसभा की अगर बात देखी जाए तो बहुत ही, जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी में शिवसेना में शामिल हुए और वहां के विद्यमान खासदार जो थे कृपाल तुमा ने उनकी टिकट काटी गई, ये भी एक बहुत बड़ी चीज हुई। फिर उसके बाद देखा गया कि श्याम कुमार बर्वे, रश्मि बर्वे की टिकट कटने के बाद, मतलब उनके फॉर्म में आपको पता है कि उनकी जाति
त्रुटनी निकलने के बाद उनके पति रश्मि बर्वे की जगह श्याम कुमार बर्वे को टिकट दी गई और उसके बाद थोड़ा सा मोरल बीच में कम हुआ था कांग्रेस का फिर से, और सुनील केदार ने जिस तरह से वहां मेहनत ली है और उसी जोश के साथ बीजेपी ने भी अपने युति को जुटाने के लिए मेहनत की है, तो बहुत काटे की टक्कर दिख सकती है रामटेक लोकसभा। लेकिन लेकिन जो पोल सामने आ रहे हैं जिसमें राजीव पर्वे आगे बताए जा रहे हैं जी हाँ, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये मानसिकता हो गई है कि वह परिवर्तन तो होना है, लेकिन जब केंद्र में ही मोदी सरकार रहेगी तो विरोधी जो परिवर्तन के कारण जो विरोधी पक्ष में रहेगा उसके देने से जो सत्ता पक्ष में सांसद रहेगा उसको ही चुनना ठीक रहेगा। हाँ जी जी, जिस तरह से परिवर्तन तो होगा, जैसे पिछले आप देख रहे हैं कि पिछले दो टर्म से शिवसेना ऑलरेडी रामटेक लोकसभा में सत्ताधारी रही है, उसके बाद अभी कांग्रेस के एक उम्मीदवार वहां गए हैं राजू पारवे, उन्होंने भी काफी टक्कर दी है। हाँ, लोगों का कल ये हमेशा रहता है कि जो केंद्र में ये जो वोटिंग होती है लोकसभा की, ज्यादातर एक पीएम कैंडिडेट देके होती है, तो हाँ दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी कल्याण से खबर आ रही है और एक सबसे बड़ी अभी की ब्रेकिंग न्यूज है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने 100 का आंकड़ा पूरा कर दिया है, 101 सीटों पे वो आगे दिखाई दे रही है। जी हाँ, 101 सीटों में इंडिया आगे दिखा रही है, वही 45 सीटों में इंडिया आगाड़ी नजर आ रही है। जिस तरह से चुनावी ये एग्जिट पोल आए थे उसी तरह से ये आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ अभी जो सीटों का रिजल्ट जो आता है वो सीटें आगे जो रहती है उसका आकलन ये हमेशा होता है जी। चंद्रपुर की बात करें तो चंद्रपुर में बाळू धानोरकर की जो पत्नी है प्रतिभा धानोरकर, उन्हीं को सीट दी गई है और भाजपा की ओर से मंत्री जो है सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इनको दी गई है। ये चंद्रपुर का जो आपने पास से चंद्रपुर का पूरा राजकारण देखा है उसका आकलन कैसे करते हैं, क्या लगता है वहां पर? बिल्कुल, अगर आकलन किया जाए चंद्रपुर लोकसभा का, तो इसके पहले पिछली बार जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, तो एकमात्र सीट थी जो कांग्रेस की जो चंद्रपुर से आई थी, और अभी अभी का आकलन देखा जाए तो वहां के उम्मीदवार है सुधीर मुनगंटीवार। जी हाँ, उन्होंने एंड टाइम में उनको टिकट दी गई थी, मुझे नहीं लगता कि उनका उन्होंने पूरी तरह से वो तैयार थे लोकसभा लड़ने के लिए, वो शायद उनके बातों में भी कई बार आपको नजर आया। पर अभी चंद्रपुर से भी कुछ रुझान आ रहे हैं कि कांग्रेस की सीट विदर्भ में एकमात्र सीट है जो अभी आगे चल रही है चंद्रपुर से। तो अभी आपने ऐसा कहा कि उनके भी मन में नहीं था सुधीर मुनगंटीवार कि वो महाराष्ट्र छोड़कर जाए। आपको एक और एक बात ब्रेकिंग न्यूज बता दूं कि प्रतिभा जो धानोरकर है वो पूरे विश्वास में है कि जीत उनकी होगी। लोकल पुलिस स्टेशन में उन्होंने जल्लोष रैली के लिए अनुमति भी मांगी है जी। एग्जिट पोल में भी आपने देखा कि एग्जिट पोल में भी यही बता रहा था कि चंद्रपुर से प्रतिभा धानोरकर आगे चल रही थी और भी चुनावी नतीजों में भी आगे चल रही है। अगर पूरे महाराष्ट्र की अगर बात देखा जाए तो महाराष्ट्र में 23 सीटों के पहले चरण के थोड़े रुझान आते नजर आ रहे हैं, उसमें भाजपा 7 जगहों पर, शिंदे शिवसेना 3 जगहों पर, अजित पवार कांग्रेस अभी फिलहाल राष्ट्रवादी कांग्रेस 0 और उद्धव ठाकरे शिवसेना जो है वो 5 जगहों पर आगे चल रही है, वही शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी 4 जगह पे और कांग्रेस 4 जगह पे आगे चल रही है, उसमें से विदर्भ एक जगह वाराणसी से भी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। एनडीए की पूरी बात करें तो एनडीए 153 जगहों पे आगे चल रहे हैं और इंडिया आघाड़ी कांग्रेस 29 और इतर 16, इंडिया आघाड़ी की बात करें तो 59 सीटों पे आगे चल रही है जी। अगर इसी तरह से अगर ये रुझान अगर रिजल्ट के और तब्दील होते हैं तो एग्जिट पोल एक सही नजर आते हुए दिखेंगे, फिर से तीसरी बार मोदी सरकार देखने को मिलेगी। सर ये तो सभी मतलब जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं पूरी एक से दो दिनों में सभी में मोदी सरकार की ही मतलब मोदी सरकार फिर से आएगी ऐसा है, लेकिन जो 400 पार का जो नारा मोदी सरकार ने लगाया था या एनडीए ने लगाया था उसका क्या होता है, उसका आकलन कैसे करो?
उसका आकलन जिस तरह से एग्जिट पोलों में बताया गया था 350 से 400 करीब, अभी जिस तरह से अभी शुरुआती, ये तो शुरुआती रुझान है, इसमें काफी चेंजेस आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अभी जो चेंजेस दिख रहे हैं उसके उसका अगर आकलन किए तो आज अभी 1/3 60 सीटों में इंडिया आघाड़ी आगे चलो है और 160 सीटों में एनडीए। अगर इसी तरह से अगर रेशो बढ़ता रहा तो 400 के करीब होना, मतलब ये इतना मुश्किल नहीं जाएगा एनडीए के लिए। तो दर्शकों आपने देखा कि अभी तक की जितनी भी बड़ी न्यूज थी या जितनी भी अभी तक का जो आकलन था वो इन बीसी न्यूज आपके पास आपके सामने लाया है। ऐसे ही अपडेट के साथ हम फिर से मिलेंगे, कुछ गेस्ट हमारे साथ रहेंगे उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, उसके पहले जाने से पहले एक बार हम एक नजर मारते हैं अब तक के पूरे आंकड़ों में। आपको पता है कि 543 सीटों का में इलेक्शन हो रहा है, उसमें से 240 सीटों के शुरुआती रुझान आ चुके हैं, उसमें से 163 जगह एनडीए आघाड़ी आगे नजर आ रही है, कांग्रेस के 32 सीटें आगे नजर आ रही है और इंडिया आघाड़ी के 61। अगर कांग्रेस का अगर पूरा आकलन किया जाए तो उसमें से 42 जो है कांग्रेस के आगे दिख रही है और इंडिया गठबंधन को 61 सीटें आगे बढ़त मिली। वहीं महाराष्ट्र के रुझानों का बात करें, 48 सीटों में से 26 सीटों के शुरुआती रुझान आ चुके हैं, उसमें से बीजेपी 9 जगह पर आगे नजर आ रही है, वही शिंदे गुट की शिवसेना 3 जगह पर, वही ठाकरे गुट 6 जगह पर आगे नजर आ रहे हैं, वही शरद चंद्र पवार गुट के 4 सीटें आगे आ रही है और कांग्रेस की 4 सीटें। अगर एग्जिट पोल जिस तरह से बताया जा रहा था, एग्जिट पोल में 25 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलने वाली है और 22 सीटें महाराष्ट्र की बात करें तो इमरान सर, जो ये लोकसभा चुनाव से पहले जो परिवर्तन महाराष्ट्र के राजकारण में हुआ है, एक दो पक्ष हुए, एक पहले तो शिवसेना टूटी, बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस टूटी, इसका कुछ परिणाम महाराष्ट्र की जो राजकारण है या लोकसभा सीटों पर हुआ? हाँ जी बिल्कुल, इस तरह से परिणाम तो बिल्कुल देखा गया है, क्योंकि जिस तरह से पार्टियां महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 5 साल में टूटी है तो बिल्कुल इसके परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। इसका नुकसान अजित पवार गुट को भी होगा, शरद चंद्र पवार गुट को भी होगा और शिवसेना को भी होगा, भाजपा को भी होने की आशंका, भाजपा को भी इसका परिणाम देखने होने की आशंका है। मगर भाजपा को कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी सीटें बरकरार नजर आ रही है। एक ऐसा भी है कि एकनाथ खड़से जो है, जो फिलहाल अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में शरद पवार गुट में है, वो कुछ ही दिन में अभी बीजेपी में प्रवेश करने वाले, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट था कि महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने आत्मचिंतन करना चाहिए। हाँ, महाराष्ट्र के लिए बीजेपी ने आत्मचिंतन करना चाहिए, शायद इसकी वजह से कहा गया है कि जिस तरह से शिवसेना जब पिछली बार विधानसभा के इलेक्शन महाराष्ट्र में हुए थे और युति टूट गई थी, फिर उसके बाद एक तर्जुर वाली कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी की सरकार बैठी, फिर उसके बाद फिर से शिवसेना टूट के वापस बीजेपी में संग्रहित हुई, फिर राष्ट्रवादी हुई, तो शायद इसी वजह से उन्होंने ये कहा होगा। तो दर्शकों थोड़ा सा विराम लेते हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।